वैसे नेताजी कितने गरीब हैं और कितने अमीर, ये तब पता लगता है जब नामांकन का दौर आता है और जिसके बाद नेताजी की संपत्तियों के ब्यौरे सामने आने लगते हैं। वहीं हम जो आपको आंकड़े दिखाएंगे उसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग डाल डाल तो नेता बात बात, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, सियासत की पहली शर्त जो है। चुनाव आयोग धनबल के दम पर चुनाव प्रभावित करने वाले प्रत्याशियों पर नकेल कसने की जितनी कोशिश करता है, नेता उससे बचने के और बेहतर रास्ते तलाश लेते हैं। चुनाव पैसे के दम पर प्रभावित ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग हर बार नामांकन के समय प्रत्याशियों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगता है, लेकिन जब ये ब्यौरे सामने आते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि नेताजी कितने गरीब हैं और कितने अमीर। प्रदेश में जब चुनाव निर्णायक स्थिति में पहुंच गया है और नामांकन का दौर जारी है तो नेताजी की संपत्तियों के ब्यौरे सामने आने लगे हैं। आंकड़े देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मंत्री अरुण चतुर्वेदी अपनी पत्नी के 1,75,000 रुपए के कर्जदार है। नवीन पिलानिया अपने पिता के 1,79,00,000 के कर्जदार है। घनश्याम तिवारी ने चुनाव के लिए पत्नी से 15,00,000 रुपए का कर्ज लिया है। ये तो बस एक झलक है। जब आप विस्तार से अपने नेताजी का पूरा ब्यौरा देखेंगे तो तस्वीर कुछ और साफ हो जाएगी। सबसे पहले ब्यौरा सामाजिक अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी का देखिए। अरुण चतुर्वेदी की संपत्ति का विवरण। अरुण चतुर्वेदी पर काफी कर्ज है। वे पत्नी के 1,75,00,000 के कर्जदार है। 2013 में उनके पास कोई वाहन नहीं, 2018 में भी उनके पास कोई निजी वाहन नहीं। उनकी अस्थायी संपत्ति का ग्राफ जरूर गिरा, 5 साल में 4,35,000 घटी रकम, स्थायी संपत्ति में 10,50,000 रुपए का इजाफा हुआ। पत्नी की अस्थायी संपत्ति में 44,00,000 रुपए का इजाफा हुआ है। अरुण चतुर्वेदी के बाद पेश है विधायक नवीन पिलानिया की संपत्ति का ब्यौरा। नवीन पिलानिया की संपत्ति का विवरण। चुनाव लड़ने के लिए पिता से 1,79,00,000 रुपए का उधार लिया है। 2013 में उनकी स्थायी संपत्ति 5,48,00,000 रुपए थी। नवीन पिलानिया की स्थायी संपत्ति में कोई बदलाव नहीं आया है। पत्नी की स्थायी संपत्ति में 24,00,000 रुपए की कमी आ गई। 2013 में पिलानिया के पास एक भी वाहन नहीं था। अब 2 लग्जरी गाड़ियों समेत 3 कारों के मालिक हैं, 1 रिवॉल्वर, 1 12 बोर गन और 1 कार्बाइन राइफल के मालिक है। शपथ पत्र में तीनों हथियारों की कीमत 95,000 रुपए बताई गयी है। पत्नी के पास 5 साल से एक ही मोटरसाइकिल। भाजपा से रूठकर पार्टी बनाने वाले घनश्याम तिवारी ने भारत वाहिनी पार्टी बना ली। चुनाव लड़ने की बारी आई तो कर्ज लेने की नौबत आ गई। अब बाहर कहाँ जाते, तो पत्नी से ही कर्ज ले लिया। जरा तिवारी जी की संपत्ति और कर्ज के आंकड़े देखिए। घनश्याम तिवारी की संपत्ति के आंकड़े। घनश्याम तिवारी के पास 55,510 रुपए की नकदी है, 1,26,347 रुपए की चल संपत्ति है, 1,07,00,000 की अचल संपत्ति है। पत्नी से 15,67,000 रुपए पर्सनल लोन के तौर पर उधार लिए हैं। पत्नी ने बैंक और बेटा बेटी से करीब 5,15,00,000 रुपए उधार लिए हैं। घनश्याम तिवारी की पत्नी ने बैंक से 4,89,00,000 रुपए का कर्ज लिया है। 2 बेटों से 7,58,000 और 10,00,000 रुपए उधार लिए हैं। बेटी से 8,50,000 रुपए उधार लिए हैं। 2 बातें बड़ी हैरान करती हैं। एक तो ये कि नेताजी से ज्यादा पैसे धनी उनके परिवार वाले हो जाते हैं और दूसरी ये कि नेताजी को फाइनेंसर अपने घर में ही मिल जाते हैं और उन फाइनेंसर्स को भी फाइनेंसर अपने घर में ही मिल जाते हैं। मतलब पति पत्नी, बेटा बेटी और पिता फाइनेंसर्स प्राइवेट लिमिटेड। काश आम आदमी के घर में भी ऐसे फाइनेंसर होते तो बैंकों के NPA ना होते, किसानों को आत्महत्या ना करनी पड़ती, सरकारों को किसानों का कर्ज माफ करने की जहमत नहीं उठानी पड़ती। अफसोस, यही तो फर्क है सेवक और मालिक में। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से तनवीर अहमद और रवि कुमार की खास रिपोर्ट।